फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक है। वेलकम बैक टू नेक्स्ट आदिल व्लॉग। आगे मैं अपनी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, ठीक है, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है आज की। मुझे कमेंट आए थे कि आप डेली बेस पे जो मेकअप करते हैं वो बता दें कि हम आम रूटीन पे किस तरह का मेकअप करके रखें, जब किसी का दिल ना कर रहा हो इतना ज़्यादा मेकअप करने का और फटाफट से तैयार होना हो तो हम वो वाला मेकअप कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको वो वाला मेकअप बताऊंगी, ठीक है। और वैसे भी डेली रूटीन पे हमें इतनी ज़्यादा बेस वगैरह अप्लाई नहीं करनी चाहिए। सो 5 मिनट में जब मेकअप हो जाएगा वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सो टाइम वेस्ट स्किप गए, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। बातें तो मैं करती रहती हूँ बातें मेरी ख़त्म ही नहीं होती। सो काम की बात करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और गलत पता नहीं क्या बोल रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बेस की जगह मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, ठीक है, बिकॉज डेली रूटीन पे हमें मेकअप करना जो उस पर हमें बेस को कट करना होगा, ठीक है, बिल्कुल कट। बेस रोज़ बेस हमारे फेस पे सूटेबल नहीं होती, बहुत ज़्यादा उसके नुकसान हो सकते हैं। सो मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आईज के नीचे यूज कर रही हूँ पहले, ठीक है, और हल्का सा यहाँ पे नजर भी आ रहा है आप लोगों को, इस साइड से लगा देती हूँ। बस ठीक है, अब मैं फिंगर टिप से ही इसको सेट करूँगी, बिकॉज फिंगर से सबसे बेस्ट होता है, हमारी हीटअप हो जाती है फिंगर और हमारा जो प्रोडक्ट होता है ना वो अच्छे से हमारे स्किन में ना ऑब्जर्व हो जाता है। आप लोग ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लेंडर से ये होगा कि हमारा प्रोडक्ट ना उसके साथ ही लग जाता है, ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ना हमने वैसे ही कम सा लगाया है, इतना ज़्यादा नहीं लगाया, तो इसको सेट कर लिया, ठीक है, ओके। अब आपने कोई सा भी लूज पाउडर ले लेना है, ठीक है, फेस पाउडर जिसको बोलते हैं, तो हमने कोई फ्लफी सा ब्रश लेना है और उस पर फेस पाउडर अप्लाई करना है और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है सारे, ओके, ठीक है। बस इतना सा हमने अपने फेस पे प्रोडक्ट लगाना है, कोई ज़्यादा हैवी बेस अप्लाई नहीं करनी आम रूटीन में। सबसे अच्छा होता है लूज पाउडर, ठीक है, उसको हमने सेट कर लेना अपने फेस पे। उसके बाद मैं लिपस्टिक नहीं लगाती, ठीक है, एक मैं अपनी खास बता दूं कि आम रूटीन पे मैंने अगर घर पे हूँ या कहीं आसपास जाना है, 5 मिनट में तैयार होना टाइम नहीं है, सो मैं जल्दी जल्दी क्या करती हूँ जिससे नेचुरल लुक भी आए, अपनी आई शेड्स लेती हूँ, ठीक है, उसमें जो पिंक कलर होता है ना, लाइट ले लो या डार्क ले लो, कोई सा भी ले लो, वो मैं अपने लिप पे अप्लाई करती हूँ, ठीक है। इससे बहुत ही नेचुरल लगता है ना, तो वो ग्लोसी सा आता है लुक के जिससे पता चले हमने लिपस्टिक लगाई है, इससे ओरिजिनल ही लगता है। सो अब आप देखिए, ऐसा लग रहा है, ठीक है, बस हल्का सा भी मैंने लगाया, हल्का सा, और इसी को मैं अपने चीक्स पे लगा लूंगी कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको मैं हल्का सा चीक पे, बस उसी को मैंने, जो मैंने अपने लिप्स पे अप्लाई किया उसी को मैंने चिन पे और चीक्स पे लगा लिया, ठीक है, और हैंड से कर लिया। आप लोग ब्रशेस से भी कर सकते हैं, देखिए ब्रशेस भी है, बट मुझे फुल मेकअप ना हैंड से करना ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और अब हम हल्की से अपनी आईब्रो सेट करेंगे, ठीक है, हल्की से ज़्यादा फिल नहीं करनी, बस जहाँ आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे फिलिंग की कमी है बस वहाँ पे,
ज्यादा डार्क नहीं करना। अब मैं इसे ब्रश से सेट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपने ब्राउन पेंसिल यूज करनी है, ठीक है, ब्लैक नहीं यूज करनी। मेरे हाथ से क्यों गिरी जा रही है ये? मैं जब गई थी बाजार, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने उसे ब्राउन मांगी थी, उसने मुझे ब्लैक दे दी। जब मैं घर पे आई, मैंने पैकिंग खोली, देखा तो ये ब्लैक निकली तो इसलिए मैंने अभी वापस नहीं किया। अब जब बाजार जाऊंगी तो मैं ब्राउन लेके आऊंगी। सो आप लोगों ने भी इसको ब्राउन ही यूज करना है, ना कि ब्लैक, ठीक है। मैं अभी आप लोग को बता देती हूँ। और अब हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। नजर आ रहा है आप लोगों को? आप लोग कैसे बताओगे बेटा? एंड थैंक यू सो मच, मैंने आप लोग का थैंक्स करना था, बिकॉज आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा हो रहे हैं, और मुझे कमेंट किया करें कि आप लोगों को किस तरह की वीडियो चाहिए, ठीक है। अब मैं हमेशा जो भी कमेंट करता ना, उसकी तो वीडियो मैं ज़रूर बनाती हूँ, ज़रूर। अब इन्होंने भी कमेंट किया था, या मैं डबल कोड कर रही हूँ, ठीक है। मस्कारे का मैं हमेशा डबल कोड करती हूँ। सो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को कि कमेंट किया करें, जी जो भी कमेंट करता है मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। अब हमने लगा लेना है हाइलाइटर, ठीक है। देखिए मैं लिया, हमने शाइनी शाइनी हो जाना हल्का आईब्रोज के कॉर्नर्स पे। आई शेड्स वगैरह कोई अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। देखिए सिंपल सा मेकअप, क्या आप लोग मुझे जरूर बताना आप लोग को ये कैसा लगा, ठीक है। और वाइट पेंसिल ऑप्शनल है, आप लोग लगा नहीं है तो आप लोग लगा भी सकते हैं, नॉट पैर, ये आपकी मर्जी है। मैं लगा लेती हूँ लाइट लाइट, सिर्फ लास्ट पे लगा रही हूँ, मैंने थोड़ी सी बस लगाई, ठीक है। और जो काजल लगाते हैं वो काजल भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ओके, अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखें जी, ठीक है, अब मैं क्लोज से दिखा रही हूँ। कितना डिसेंट सा, जबरदस्त लग रहा है, ठीक है। सो जिसने कमेंट किया था मैं शो करवा दूंगी, जिसने कमेंट भी किया था मुझे भी याद नहीं है नेम, सो मे बी आपको समझ लग गई हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये सिंपल मेकअप नो मेकअप लुक कैसा लगा, ठीक है। और आप ट्राई भी करना, ठीक है। और बाकी आप सब भी मुझे कमेंट करना आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।